हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जैमी। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मीशो का होम डेकोर हॉल। आई होप ये वीडियो भी हमेशा की तरह हेल्पफुल रहे। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको बता दूँ मैं हॉल से रिलेटेड वीडियो लेके आती हूँ और मैं कभी कभी मेकओवर भी शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आने वाली वीडियो नेक्स्ट जो होगी वो डाइनिंग एरिया मेकओवर की होगी। अगर आप अपने डाइनिंग एरिया को एक नया लुक देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कुछ टाइम पहले भी मैंने मेकओवर की वीडियो शेयर की थी, डाइनिंग एरिया मेकओवर शेयर किया था एंड लिविंग एरिया मेकओवर शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल जमजम फैशन को। जो भी आइटम मैं शेयर करूंगी सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने इस वॉल हैंगिंग से। ये मुझे रिसीव हुआ है मीशो से 161 रुपीज़ में और अभी भी आपको सेम प्राइस में ये मिल जाएगा। ये राउंड शेप में वुडन का मुझे रिसीव हुआ है। इसका जो मटेरियल है वो MDF जो वुडन होता है ये वो वाला मटेरियल है। बट अगर मैं प्राइस वाइज क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगी है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने छोटे साइज़ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में आए हैं। जो सबसे बड़ा है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और अगर आप वॉल पर कहीं भी डेकोर करते हो तो बहुत छोटी सी वॉल को ये कवर करेगा, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएंगे, बट साइज़ आपको सेम ही मिलेगा। डिज़ाइन इसमें जो भी बनी हुई है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हैं, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं कभी भी आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप लेते भी हैं तो कहीं घर में डेकोर नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही मुझे डबल सारे टेप रिसीव हुआ जो कि बहुत ज़्यादा बकवास था, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर ये आपको 99 के आसपास मिलता है तो ये प्राइस वाइज जस्टिफाई कर सकता है अपने आप को, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। मुझे ऐसा लगा था कि कुछ बड़े साइज़ में आएगा तो मैं अपने किसी भी वॉल को डेकोर कर लूँगी, एक कॉर्नर मैं डेकोर करूँगी। मीशो पे काफ़ी सारे सेलर हैं तो उनके प्राइस भी अलग अलग हैं, बट ये बहुत लो रेंज में आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितने सेलर हैं सबके प्राइस काफ़ी ज़रा हाई हो रखे हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सेकेंड आइटम के बारे में। ये है कैंडल स्टैंड और ये मुझे रिसीव हुआ है 161 रुपीज़ में और अभी आपको मिल जाएगा 197 रुपीज़ में। इसका जो मटेरियल है वो आयरन मटेरियल है एंड काफ़ी हैवी क्वालिटी में ये मुझे रिसीव हुआ है। जब लाइव सेल चल रही थी तब मैंने इसे ऑर्डर किया था। लाइव सेल में अगर आप जाके कोई आइटम बाय करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो आप कॉइन भी यूज़ कर सकते हो तो आपको 60-70 रुपीज़ के भी डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो लाइव सेल में मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो मुझे ये आइटम शो करे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। रिसीव होने के बाद मुझे काफ़ी ज़रा पसंद आया, क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी हैवी मटेरियल में बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक आपके पास रहें। काफ़ी अच्छी क्वालिटी होने की वजह से ये बिल्कुल भी टूटने नहीं वाला और बिल्कुल भी आपको डैमेज रिसीव नहीं होगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसे बाय किया। साइज़ की मैं बात करूँ तो साइज़ भी काफ़ी ज़रा अच्छा है एंड प्राइस भी इसका बहुत अच्छा है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड आइटम के बारे में। ये है बटरफ्लाई की होल्डर, ये मुझे रिसीव हुआ है मीशो से 157 रुपीज़ में और अभी आपको मिल जाएगा 209 रुपीज़ के आसपास। इसका जो मटेरियल है वो पूरा मेटल का बना हुआ है। इस आइटम को भी मैंने लाइव सेल में जाकर ही लिया था। ये जो कैंडल स्टैंड मैंने आपसे शेयर किया है, ये और बटरफ्लाई की होल्डर दोनों आइटम एक ही सेलर के हैं और इन दोनों को मैंने साथ में ही ऑर्डर किया था जब लाइव सेल चल रही थी। लाइव सेल में चीज़ों को आप देख के ऑर्डर कर सकते हो और आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी बड़े साइज़ में ये मुझे रिसीव हुआ है। पूरा मेटल का बना हुआ है तो काफ़ी हैवी क्वालिटी है, आप इसमें की हैंग कर सकते हैं, अपने हैंडबैग वगैरह भी इसमें हैंग कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इस तरह के बटरफ्लाई की होल्डर ट्राई करना चाहें तो मीशो पे मिल सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रेंज का है। तो आप इस तरह के चीज़ों पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक आपके पास रहें और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी डैमेज मुझे रिसीव नहीं हुआ। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस आर्टिफिशियल फ्लावर के बारे में। ये मुझे 170 रुपीज़ में रिसीव हुआ है, आपको 175 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी चीप प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये फ्लावर मुझे रिसीव हुआ है, मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ये अच्छा है।
और पूरा रेड कलर में मुझे रिसीव हुआ था एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़े साइज़ में मुझे रिसीव हुआ है एंड जो इसका फ्लावर है ना वो वेलवेट टच में है तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा एंड कलर सिंगल मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने ये कलर बाय किया एंड ये कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आपको मीशो पर मिल जाएंगे बट ये बहुत चीप प्राइस में बहुत बेस्ट फ्लावर हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी अच्छी रेंज में आप लोगों से फ्लावर शेयर किए हैं तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इस तरह के जो फ्लावर होते हैं आप इसे कहीं भी डेकोर कर सकते हैं लाइक डाइनिंग टेबल पे या फिर सेंटर टेबल पे, आप चाहें तो साइड टेबल भी डेकोर कर सकते हैं, किसी बड़े से वेज में डालेंगे तो ये बहुत ज़रा परफेक्ट जाएगा। तो आप इस तरह के फ्लावर को डेकोर कर सकते हैं अपने घर में और इस फ्लावर के साथ कुछ और फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने अपने डाइनिंग टेबल पर दो फ्लावर के साथ इसको ऐड किया हुआ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप चीप प्राइस में एक अच्छे फ्लावर की तलाश कर रहे हैं ना तो आपके लिए ये फ्लावर बेस्ट हो सकता है, जो प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है एंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मीशो पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रा ख़राब भी होती हैं। जैसे ये मेटल का जो प्लांटर मैंने रिसीव किया, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रिसीव हो जाएगा। ये मुझे रिसीव हुआ है मीशो से 269 रुपीज़ में, अभी भी आपको सेम प्राइस में ये मिल जाएगा। ये पूरा मेटल का बना हुआ है, इनडोर एंड आउटडोर दोनों तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। साइज़ में ये काफ़ी ज़रा बड़ा मुझे रिसीव हुआ है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े साइज़ का आएगा। मीशो पे कुछ चीज़ें बहुत ज़रा ख़राब रिसीव हो जाती हैं तो बहुत गुस्सा आती है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर बहुत अच्छी रिसीव होती तो बहुत ज़रा खुशी भी होती है। जैसे ये प्लांटर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसे एक डिफरेंट टाइप से डेकोर कर सकते हो, कहीं भी अपने वैनिटी के पास रख सकते हो, ड्रेसर पे या फिर डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे, आप इसे आउटडोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसमें जो गोल्डन कलर की पॉलिश हुई है ना वो बहुत ही फिनिशिंग से हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ज़रा खूबसूरत लग रहा है ये देखने में, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर आप इस तरह के कोई प्लांटर ट्राई करना चाहते हैं जो क्वालिटी में भी अच्छा हो एंड प्राइस में भी अच्छा हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं, इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस आइटम के बारे में। ये है सर्विंग ट्रे जो मुझे रिसीव हुई है मीशो से 259 रुपीज़ में और अभी भी आपको सेम प्राइस में ये मिल जाएगी। सेट ऑफ थ्री में मुझे रिसीव हुई है, इसमें आपको स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज तीन साइज़ देखने को मिलेंगे, थ्री डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे एंड थ्री आपको कलर देखने को मिल जाएंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और जब मैंने इसे ऑर्डर किया था मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव होगी। स्मॉल साइज़ एंड मीडियम साइज़ तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा है बट इसका जो लार्ज साइज़ है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर टेबल पे या कहीं भी रख नहीं जा रहा है तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई उस चीज़ से। इसे मैं एक्सचेंज में डालने वाली हूँ, अदरवाइज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें जो डिज़ाइन बनी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इस रेंज में आपको इस तरह की ट्रे मिल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और मार्केट में आई डोंट नो इस तरह के रेंज में आपको मिलती है कि नहीं, बट ये मुझे ऑनलाइन काफ़ी ज़रा परफेक्ट लगी और आपको डिफरेंट टाइप की ट्रे आपको मीशो पे देखने को मिल जाएंगी तो मुझे बहुत ज़रा पसंद आई थी। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स साथ शेयर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।